देखिए, मकसद चुनाव लड़ना नहीं था, मकसद है देश को जोड़ने का। मकसद है कि आज जिस तरीके से देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उसको जोड़ना था मकसद। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर के, एक ही मकसद को लेकर के कि जो आज 2014 के बाद 2023 में खड़े हैं, और 2023 में आज भी 2014 की जो नफरत की आग है वो आज भी सुलग रही है। और समय समय पर जिस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं, नफरत परोसी जाती है, जाहिर है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि देश में हम वो बात करें, देश के मुद्दों पर बात करें, देश की बात करें, क्योंकि आज सिर्फ लड़ाई जो है वो सिर्फ कुर्सी की रह गई है। देश में जिस तरीके की विचारधारा चल रही है, आज नफरत एक समुदाय के लिए परोसी है, चाहे अब वो फिल्मों के जरिए परोसिए, चाहे देश का व्यवस्थित मीडिया के जरिए आप परोसिए, लेकिन आज पूरी तरीके से सारी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सबको एक तरफा जिस तरीके से एक समुदाय के लिए, या अगर कोई सत्ता के खिलाफ बोलेगा तो फिर उसके घर में CBI और ED की रेड तो जाहिर है वो होगी होगी। तो इसीलिए आज देखिए, मेरे नेता ने कहा कि हम नहीं डरते हैं और इसके लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो देखिए, चाहे जो भी हो जाए, अगर यही कीमत है देश को जोड़ने की, तो ये कीमत हम देने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंदोलित है। हाँ, यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। आज राहुल गांधी जी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द कर दी जाती है, क्यों? क्योंकि वो अडानी पर सवाल करते हैं, क्यों सदस्यता रद्द होती है पूछा जाता है कि 2000 करोड़ रुपए किसके हैं, क्यों जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री जी क्यों सदस्यता रद्द कराते हैं, मैक्सिमम सज़ा राहुल गांधी जी को होती है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट से जिस तरीके से कन्विक्शन पर स्टे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और ऑप्शन है, अभी हमारे पास डिविजन बेंच है, अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि सदस्यता रद्द कर देंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। देखिए, रास्ते खुले हैं। अभी जो तीन बजे अभिषेक मनु सिंघवी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ों के खुलासे भी किए जाएंगे। और देखिएगा, अब आगे जो है हम लोग हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, दो दरवाजे से झटका लगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अब आखिरी बचा है सुप्रीम कोर्ट। आप एक वकील भी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि सदस्यता रद्द होना, और फिर उसके बाद किस तरीके से जो ये जो याचिकाकर्ता हैं, ये पहले तो अपनी ही याचिका को लेकर के ये कहते हैं कि मुझे कोई याचिका दाखिल नहीं करनी है, ये विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन भी देते हैं, फिर अचानक क्या सेटबैक होता है और उस सेटबैक के तहत फिर मैक्सिमम सज़ा हो जाती है, तो ये आपको नहीं लगता कि देश, देखिए सब जो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये देखिए मैसेज साफ जा रहा है देश की जनता में, ये मैसेज साफ है कि आखिर ये क्यों, किसके कहने पर और किस लिए किया जा रहा है। जाहिर है 2024 हमारे सर पर है, और आप देखेंगे कि ये तो बहुत छोटी बात है, ये एक हफ्ते में आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे लोग। लेकिन आज जो देश के अंदर जो हो रहा है, एक सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई उन नफरती उड़ना, प्रधानमंत्री कौन होगा, विपक्ष की बैठक होने जा रही है बेंगलुरु के अंदर, अभी पटना के अंदर हुई है, फिर दोबारा से कौन होगा, क्या होगा। देखिए, हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश की जनता, जो एक बड़ा तबका है, जो यकीन रखती है, सेक्युलरिज्म को मानती है, जो देश की आस्था संविधान कानून पर यकीन रखती है, वो राहुल गांधी जी को देखना चाहती है प्रधानमंत्री। देखिए, अभी हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हम किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट्स में जाएंगे, डिवीजन बेंच के सामने जाएंगे, हमारे लीगल एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे और उसके बाद फिर कोर्ट का क्या निर्णय रहेगा, उसके बाद आगे की राह जो है वो तय करेंगे। ठीक,